सॉरी सर, हमसे गलती हो गई, हम तो रेजिग्नेशन वापस रेजिग्नेशन एक्सेप्टेड। Resignation accepted. तुम्हारी बेटी बहुत टैलेंटेड है, वो एक दिन बहुत बड़ी डिजाइनर बनेगी, आरज़ू, चलोगी ना हमारे साथ? तू बदल दे, रख हिम्मत, बस चल दे, तेरे साथी मेरे कदमों के हैं निशान। तू ना जाने आस पास है खुदा, तू ना जाने आस पास है खुदा, बहुत खूबसूरत लग रही हो। आरज़ू बेटा, लखनऊ वाले घर की छत अब हमारे सर पर नहीं रही है। जब होगा अंधेरा तब पाएगा दर मेरा, उस दर पे फिर होगी तेरी सुबह। सर कॉन्ट्रैक्ट रेडी है, बस आपके सिग्नेचर से। अल्लाह का करम देखो, अरे वो एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा दरवाजा खोलता है। अरे भले ही उसने हमारा लखनऊ वाला घर छीन लिया, लेकिन आरज़ू को नौकरी दी। अब मैं भी अपनी जैसा ही करियर बनाऊंगी और उन्हीं की तरह मेहनत करूंगी। एक वो मिटता नहीं है, मान ले जो हर मुश्किल को मर्जी मेरी है। हो हम सफर न तेरा जब कोई, तू हो जहाँ रहूंगा मैं वहीं, तुझसे कभी न एक पल भी मैं जुदा। तू ना जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है।
तुम्हारा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया गया। इस पे साइन कर। जूनियर डिजाइनर का कॉन्ट्रैक्ट है। ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने तभी बनवा लिया था जब मुझे यकीन हो गया था कि वो डिजाइन तुम ही ने बनाया था। सर फिर वो ड्रेसेस का चैलेंज? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे लिए ये समझना बहुत जरूरी था कि बिजनेस सिर्फ टैलेंट और क्रिएटिविटी से नहीं चलता। बिजनेस के लिए मार्केटिंग और ब्रांडिंग भी बहुत जरूरी है, और शायद ये बात अब तुम्हें अच्छे से समझ में आ गई। सर तो आप हमें सबक सिखाना चाहते थे और हम आपको वैसे ही गालियां दे रहे थे। सर ज्यादा वैसे वाली नहीं, शरीफों वाली गालियां। सॉरी सर। मुझे कल सुबह कुछ डिजाइन चाहिए, पंचकनी फैशन काउंसिल में लेकर जाना है। हाँ सर बिल्कुल सर, हम आपके लिए ऐसे काउंसिल बनाएंगे। हमारा मतलब है हम आपके जैसे डिजाइन। सर हमारा मतलब है कि हम आप। टुमारो मॉर्निंग। क्या बन रहा है आज खाने में? और क्या बात है अभी तक काम नहीं शुरू किया? मैडम अब क्या बनाना है अभी तक ये नहीं पता तो काम कैसे शुरू करें? क्या मतलब? मतलब किचन की जिम्मेदारी आरजू मैडम पे है, रोज वही बताती हैं कि क्या बनाना है क्या नहीं, और वो अभी तक आई नहीं। आरजू मैडम पर ऑफिस की भी जिम्मेदारी है, और तुम जानते हो ना कि उनकी फैमिली भी आई हुई है। अगर आरजू मैडम ने कुछ नहीं बताया था तो तुम मुझसे पूछ सकते थे। शाकिर मेरे लिए डिनर में सूप बनाना। क्या हुआ, पेट खराब है? अम्मी आपको मेरी कितनी फिक्र लगी रहती है, हर वक्त यही सोचती रहती है कि मेरे साथ क्या क्या बुरा हो, पर परेशान मत होइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सूप इसलिए क्योंकि साइज 0 ड्रेसेस में फिट होने के लिए फिगर को मेंटेन करना पड़ता है। कल साहिर के साथ फैशन काउंसिल मीटिंग के लिए पंच करने जा रही हूँ। एनीवे मुझे कल की तैयारी करनी है तो मैं लेट हो रही हूँ। सी यू अम्मी। बाय, ऑल द बेस्ट। कल की तैयारी तो मुझे भी करनी है। शकील मैं भूल गई, वो ये लो, ये इस पर मेरी मेडिसिन्स लिखी हैं, ये लो पैसे और लेकर के आओ। पर अनम मैडम का सूप मैं बना दूंगी। अब देखती हूँ अनम कि तुम साहिर के साथ पंचगनी कैसे जाते हो। Oh!
साहिर, मेरे फेस पे रैशेस हो गए हैं। तो पंचगनी में किसी डॉक्टर को दिखा देना। साहिर, मैं पंचगनी नहीं आ सकती। तो आई एम द फेस ऑफ सयारा। मैं ऐसा चेहरा लेके दुनिया के सामने नहीं आ सकती। क्या फर्क पड़ता है ना? फर्क पड़ता है, तुम नहीं समझोगे। A boy will never understand. मेरे लिए पचगनी से 5 किलो चिक्की लेती आना। क्या हुआ? Don't look at me, मेरे फेस पे रैशेस आ गए। ये क्या हुआ? लेकिन छोटी बेगम, ये सब हुआ कैसे? पता नहीं, जिस दिन पचगनी जाना था उसी दिन रात को रैशेस कैसे आ सकते हैं? इसका मतलब है अकेली कुर्ती आपा नहीं, इस घर में एक और बहुत बड़ी कुर्ती चीज है। ये जरूर किसी की साजिश है। साजिश है अलविदा। दवाई ने अपना काम कर दिया, तभी अनम अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई। लेकिन कुर्तिया पा भी तो कमरे में गई थी, वो अभी तक वहां पर क्या कर रही है? सलाम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? जी अच्छी हूं, शुक्रिया। शुक्रिया किस लिए? हर चीज के लिए। हमें लखनऊ से मुंबई लाने के लिए, अपने घर में पनाह देने के लिए। आप ही की वजह से हम यहाँ इंटर्न बने और आप ही की वजह से साहिर सर ने हमें प्रमोशन दिया है। अरे वाह, प्रमोशन! बहुत बहुत मुबारक हो। आपको पता है आंटी, अब हम सयारा में जूनियर डिजाइनर है। अल्लाह नोज आंटी, हम बहुत बड़े मिस्टेक बाज हैं। हम जानते हैं कि हमने यहाँ के बहुत सी गलतियां की, साहिर सर से लड़ाई की, इतनी बार उनकी चरस बोली। हमें तो लगता था कि वो एक नंबर के खड़ूस हैं, लेकिन अब समझ में आया कि वो स्ट्रिक्ट सिर्फ इसलिए थे क्योंकि वो हमें सिखाना चाहते थे। उन्होंने हमें हमारी काबिलियत साबित करने के बहुत से मौके दिए। मैंने कहा था ना, साहिर दिल का बहुत अच्छा है। जी आंटी, सर दिल के वाकई बहुत अच्छे हैं। हाय हाय, आई बड़ा गजब हो गया। आई छोटी बेगम के पूरे चेहरे पे चिकत्ते हो गए, चिकत्ते। अब वो बेचारी पचगनी कैसे जाएगी? जाने किसकी नजर लगी। आई जिसकी भी नजर लगी है ना, अल्लाह मियां उसे सबक जरूर सिखाए। वो भी कभी चैन से नहीं बैठेगा, उसके मंसूबे भी कभी कामयाब नहीं होंगे, देख लेना। सोचने वाली बात ये है कि आखिर छोटी बेगम के चेहरे पे चिकत्ते हुए कैसे? कल रात को सूप शाकिर मियां ने दिया था। शाकिर मियां, और शाकिर मियां, हुआ मर गया कहीं जाके, देख लेना बेगम। मैं तो ये ढूंढ के निकाल ही लूंगी। ये कुर्ती आपा बड़ी ही बड़ी आई। बिचारी अनम। एनीवेज, तुम यहां क्या कर रही हो? जल्दी से पंचगनी जाने की तैयारी करो। हम? हाँ, अनम की तबीयत खराब है तो किसी को तो साहिर के साथ जाना पड़ेगा ना, और जब सीनियर डिजाइनर की तबीयत ठीक नहीं है तो जो जूनियर डिजाइनर है वो जाएगी। जी आंटी। जाओ जल्दी से तैयारी करो। योर हाइनेस, प्रमोशन मुबारक हो। जी शुक्रिया। अल्लाह, देखिए तरक्की की रफ्तार में इतनी तेजी ना चलिए कि दोस्तों के लिए वक्त ही ना रहे। एक मिनट, आपको कैसे पता चला कि हमें प्रमोशन मिला है?
भाई उसका तो ऐसा है कि आप निगाहों से दूर होकर भी बंदे की निगाहों में हैं। अच्छा, आपको एक बात बताएं? बिल्कुल बताइए। हमें ना फैशन काउंसिल में साहिर सर के साथ जाने का मौका मिला है। अरे वाह, अच्छा तभी आप इतनी जल्दी में हैं। वाह जहरा, आप तो हल्के हल्के आप रॉक स्टार बनती जा रही हैं। देखिए जकी, हमें देर हो रही है, हमें तैयार भी होना है, तो हम चलते हैं। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। कुर्ती आपा, आपका ये बीच में पर्दा लेके खड़े रहना जरूरी है। आप नहीं जानते साहिर बेटा, एक औरत अपने हुस्न को लेकर कितना संजीदा होती है। हाय, कहीं तो लिख जाती है कि उनका जनाजा भी निकले तो लिपस्टिक लगा के। अरम, आप क्या कह रही थी? मैं अभी एक स्किन स्पेशलिस्ट के पास जा रही हूँ। गुड। साहिर बेटा, ये तो दो दिन तक ठीक नहीं होने वाला है। हाय बेगम, आपको बड़ा पता है इस मर्ज के बारे में। मैं जानती हूँ कि तुम सैयारा के लिए बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड हो, पर किस्मत के आगे किसका जोर चलता है। अब तुम्हारी किस्मत में पंचगनी जाना नहीं लिखा तो कोई क्या कर सकता है। ओ, नहीं लिखा था या किसी ने लिखा हुआ मिटा दिया? कुर्ती आपा, आप ऐसी बातें करके मेरी बहू का दिल दुखा रही है। साहिर बेटा, तुम अकेले वहां पर सब कुछ कैसे मैनेज करोगे? हाँ, एक काम करो, तुम आरजू को अपने साथ ले जाओ। क्या? आरजू? क्यों नहीं जा सकती? अब वो सैयारा की जूनियर डिजाइनर है। ये तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, जो तुमने आरजू का टैलेंट पहचान लिया। क्या? वो इंटर्न से जूनियर डिजाइनर कब बनी? देखो बेटा, तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो, वरना तुम्हें और भी ज्यादा रैशेस हो जाएंगे। अम्मी, मैं अकेले सब संभाल लूंगा, किसी को भेजने की जरूरत नहीं। आई बेगम, बिल्कुल परेशान मत हो, साहिर सब संभाल लेंगे। हेलो लिंडा जी। आरजू, तुम सुबह से कहाँ घूम रही हो? साहिर सर को पता चला कोई इंटर्न ऐसे ही घूम रही है तो बहुत डांट पड़ेगी। इंटर्न को डांट पड़ती होगी, जूनियर डिजाइनर को नहीं। जूनियर डिजाइनर? जी हाँ, सर ने हमें जूनियर डिजाइनर बना दिया है, और आपको पता है हम उनके साथ पंचगिनी जा रहे हैं फैशन काउंसिल में। ओह गॉड, कांग्रेचुलेशन, आई एम सो हैप्पी। साहिर सर का फोन है। यस सर। इंडा ड्राइवर कहाँ है? मुझे पंचगिनी निकलना है। सर वो यादव की सर तबीयत खराब है। तो किसी और को बुलाओ। सर वो महेश सर, वो तो छुट्टी पे है। लिंडा, सर गिव मी 1 आवर। सर मैं ट्रेवल एजेंसी में फोन करके अभी अरेंज करती हूँ ड्राइवर। मुझे 5 मिनट में ड्राइवर यहाँ चाहिए। मैं क्या करूँ आरजू, मैं 5 मिनट में ड्राइवर कहाँ से लाऊं? आप टेंशन मत लीजिए लिंडा जी, हम है ना तुम? जी हाँ, हम हाँ।